आईपीएल 2023 के 10वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने थे। इस मैच को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 विकेटों से जीत लिया और इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद को इस सीजन की दूसरी लगातार हार मिली है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले इस मैच की पूरी हाइलाइट्स, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी एक बार फिर से फ्लॉप हुई। टीम 121 रन बना पाई। ओपनिंग पर आए अनमोल प्रीत सिंह ने 26 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। टीम की शुरुआत एकदम खराब रही। टीम को पहला झटका तीसरे ओवर में लगा जब मयंक अग्रवाल सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। इस समय टीम का स्कोर 21 रन था। उनके साथ ही ओपनर अनमोल प्रीत सिंह अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने 26 गेंदों में 31 रन बना लिए थे। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगा दिया था, लेकिन 31 रन के आगे वो अपनी पारी को नहीं ले जा पाए और टीम को दूसरा झटका 50 रन पर लगा। अनमोल प्रीत सिंह और मयंक अग्रवाल दोनों का ही विकेट कृणाल पंड्या ने लिया। इसके बाद क्रीज पर आए थे राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी ने टीम को थोड़ी मजबूती देने की कोशिश की। 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 35 रन बनाए। ज्यादा गेंदों और कम रन की वजह थी लगातार दूसरे छोर से गिरते हुए विकेट्स। इस मैच के साथ कप्तान ईडन माकरम की आईपीएल 2023 में एंट्री हो रही थी। माकरम के आने से टीम की बल्लेबाजी मजबूत हो जाएगी, हर किसी को यही लग रहा था, लेकिन माकरम पहली बॉल पर ही आउट हो गए। उनका भी शिकार कृणाल पंड्या ने किया। इसके साथ ही 50 रन पर टीम को तीसरा झटका लगा। एक तरफ से राहुल त्रिपाठी क्रीज पर डटे हुए थे और दूसरी तरफ से विकेट्स गिरते जा रहे थे। 55 रन पर टीम को चौथा झटका हैरी ब्रूक के रूप में लगा। हैरी ब्रूक ने 9वें ओवर में अपना विकेट गंवा दिया। अपनी इस पारी में सिर्फ 3 रन बना पाए। इसके बाद राहुल त्रिपाठी और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में एक साझेदारी हुई। दोनों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 49 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद राहुल त्रिपाठी अपना विकेट गंवा बैठे। अब बल्लेबाजी के लिए आए थे अब्दुल समद। अब्दुल समद हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और वैसा ही उन्होंने किया। 10 गेंदें खेली लेकिन बनाए उन्होंने 21 रन। वॉशिंगटन सुंदर ने 28 गेंदों में सिर्फ 16 रन बनाए। आदिल रशीद भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके साथ ही 20 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सिर्फ 121 रन जोड़ पाई। लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी की बात करें तो कृणाल पंड्या ने जबरदस्त गेंदबाजी की। 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर उन्होंने 3 अहम विकेट चटकाए। वहीं यश ठाकुर ने भी 3 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिया, तो रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए और 1 विकेट उनको भी मिला। अमित मिश्रा ने भी अच्छी गेंदबाजी की। 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर उन्होंने 2 विकेट चटकाए। 121 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहला विकेट कायल मायस के रूप में गंवाया। 35 रन पर टीम को पहला झटका लगा। उसके बाद 45 रन पर दूसरा झटका लगा। दीपक हुडा 8 गेंदों में सिर्फ 7 रन बना पाए। उसके बाद कृणाल पंड्या और केएल राहुल के बीच में अच्छी साझेदारी हुई। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। इसके बाद कृणाल पंड्या अपना विकेट गंवा बैठे। अपनी इस पारी में कृणाल पंड्या ने 23 गेंदों में 34 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 1 छक्का निकला। इसके बाद केएल राहुल भी अपनी बल्लेबाजी ज्यादा लंबी नहीं कर पाए। 31 गेंदें उन्होंने खेली और रन बनाए सिर्फ 35। हालांकि इसके बाद तो सिर्फ औपचारिकता ही बची थी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस टारगेट को 5 विकेट रहते हुए 16 ओवर में ही चेस कर लिया और इसके साथ ही उन्होंने इस सीजन की अपनी दूसरी जीत दर्ज की। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और आईपीएल की हर खबर पाने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।